भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने चुनी आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में शामिल किया सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। बताएंगे कैसी होगी आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल 2025 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2025 का सीजन अब ज्यादा दूर नहीं है, मेगा ऑक्शन भी हो चुका है। मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कई बड़े खिलाड़ियों को खरीदा। आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेहद ही मजबूत नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 में कमबैक करते हुए एक बार फिर से खिताब जीत सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस टीम को एक बार फिर से चैंपियन बनाने की काबिलियत रखते हैं। मेगा ऑक्शन खत्म होने के बाद भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग्स की बेस्ट प्लेइंग 11 को चुना। बताएंगे आपको इस वीडियो में वीरेंद्र सहवाग ने प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को जगह दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर न सिर्फ कप्तानी बल्कि बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी होगी। इस समय ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े बल्लेबाज भी बन चुके हैं। आईपीएल 2025 में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं उनका साथ देंगे डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे की एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हो चुकी है। मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने डेवन कॉनवे को खरीदा है। डेवन कॉनवे पिछले सीजन में चोटिल होने की वजह से एक भी मुकाबला नहीं खेले थे। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी को जगह मिल सकती है। राहुल त्रिपाठी को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने खरीदा है। राहुल त्रिपाठी ने पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। राहुल त्रिपाठी के आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी। रचिन रविंद्र एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रचिन रविंद्र को 4 करोड़ की कीमत पर खरीदा। रचिन रविंद्र पिछले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, हालांकि मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया था। रचिन रविंद्र एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इसके अलावा अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी कमाल कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शिवम दुबे को रिटेन किया था। शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। शिवम दुबे को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए मौका मिल सकता है। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा की जगह पक्की है। रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ देकर रिटेन किया गया है। जडेजा एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है, इसके अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि पिछला सीजन जडेजा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। जडेजा इस सीजन में कमबैक करना चाहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को बतौर अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया गया है। धोनी आईपीएल 2025 में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के विकेट कीपर होंगे। इसके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी भी करेंगे। सैम करण की भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में वापसी हो चुकी है। सैम करण पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे। मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सैम करण को खरीदा। सैम करण पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। धोनी की कप्तानी में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। रविचंद्रन अश्विन की भी घर वापसी हो चुकी है। रविचंद्रन अश्विन काफी लंबे वक्त के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रविचंद्रन अश्विन को 9.75 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। नंबर 10 पर खलील अहमद को मौका मिल सकता है। खलील अहमद शुरुआती ओवर्स में विकेट ले सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मथीसा पथिराना को भी रिटेन किया था। आईपीएल 2025 में मथीसा पथिराना निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। पथिराना खासकर डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।